अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबात लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इसराह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली सदक़ल्लाहु अज़ीम। सीनियर ऑफिशियल्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी, सेल पार्टनर्स, यंग पीपल फ्रॉम आईटी वर्ल्ड और मेरे सारे साथी ख़वातीनों हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं आप सबको आज इस शानदार तकरीब में, जिसमें हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आईटी पार्क है उसका जो पहला हिस्सा है, जिसको आज बगेडियर साहब ने नाम दिया है स्टार्टअप हेडक्वार्टर, उसके लिए जो हेडक्वार्टर है और जिस बिल्डिंग में हम लोग इस वक्त ये तकरीब कर रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ जो हमने रेजिडेंस देने का प्रॉमिस किया था, इंशाल्लाह आज उसका भी हम हैंडिंग ओवर कर रहे हैं, उसकी तकरीब है। मैं आप सबको इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बाद आने वाले जो मुकर्रर हज़रात हैं, बगेड़ी चीमा साहब और बाकी लोग, उनकी जो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे उससे महजूज़ भी होंगे और इंशाल्लाह मुस्तफीद भी होंगे। एक छोटे से शेर के साथ मैं दोबारा आगाज़ करूँगा। आप कहेंगे कि मैं शायर बन गया हूँ, मेरी आदत नहीं है, मगर मुझे किसी ने कहा कि आपने ये नज़म पढ़नी है। बहुत नज़म पुरानी सी है मगर वो आज के लिहाज से बिल्कुल फिट आ रही है। कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। कुछ खुशियों के लम्हात भी थे, कुछ हादसे और सदमात भी थे। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने खुशी ऐड की है, थोड़ा सा ये सैड अल्फाज थे, मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। कुछ खुशियों के लम्हात भी थे, कुछ हादसे और सदमात भी थे, पर अब के बरस ए दोस्त मेरे, अल्लाह से दुआ ये मांगी है, तू जो चाहे वो हो जाए। ये मैं स्पेशली ब्रिगेडियर आबद चीमा साहब के लिए कह रहा हूँ। तू जो चाहे वो हो जाए, तू जो मांगे वो मिल जाए, तेरी माफ़ वो हर एक अता करे, तुझे ऐसे ही रब अता करे। आप सबको भी नया साल 2024 मुबारक हो। ये साल जो है हमारे लिए, मेरे लिए खासकर बड़ा अहम है। आज का दिन, आज का महीना और ये साल, ये बहुत अहम है क्योंकि ये हमारी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की हिस्ट्री है उसका गालबन चौथा या पाँचवा साल है। और ये हमने आप सब की कोशिश के साथ और सपोर्ट के साथ इसको हमने कामयाब तरीन साल बनाना है हिस्ट्री ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी का। उसके लिए मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और मैं इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसे काम जो हम 2024 में करने जा रहे हैं उसका जिक्र करूँगा। बाकी तफसील जो है वो थोड़े दिनों बाद हम अभी अनाउंस करेंगे। गालबन 17 या 20 जनवरी को हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल अनाउंसमेंट मुजीब साहब करेंगे। इनिशिएटिव 2024, उसमें इंशाल्लाह बाकी सब चीज़ों का हम अनाउंसमेंट करेंगे जो हम इस साल में करने जा रहे हैं। बहरहाल चंद एक का जो जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा बहुत ज़रूरी, उसमें 1000 फैमिलीज़ को हमने यहाँ शिफ्ट करना है इस साल में इंशाल्लाह। 1000 फैमिलीज़ को ये मेरा टारगेट है कि हमने इस कैपिटल स्मार्ट सिटी में शिफ्ट करना है, या 1000 घर और अपार्टमेंट को हमने आबाद करना है, ये मेरा टारगेट है इंशाल्लाह ताला। उसके साथ साथ जो भी अलाइड सपोर्ट है, जिसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मसाजिद हैं, क्लिनिक्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इंशाल्लाह वो इसके साथ ही हम रेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं और हम रेडी भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप सबको जिसका इंतज़ार है वो है हमारा इंटरचेंज, कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज। इंशाल्लाह वो इसी साल में हम शुरू करने जा रहे हैं और इसी साल में इंशाल्लाह इसको मुकम्मल भी करना है और आप सबके लिए ओपन भी करना है।
और इनक्यूबेशन सेंटर जिसका एक हाल हम यहाँ जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, ये इस तरह के पांच हाल हैं और जो फ्रंट में मेन एंट्रेंस हाल है वो उसके अलावा है। उस 1/5 ऑफ दैट इनक्यूबेशन सेंटर में हम बैठे हुए हैं जिसका नाम मैंने आज बड़ा अच्छा लगा स्टार्टअप HQ स्टार्टअप हेडक्वार्टर। तो ये इसको हमने मुकम्मल करना है जो कि 1250 से लेके 1500 IT स्पेशलिस्ट को होस्ट करेगा। यहाँ पे हम उनको जो वर्क स्पेसेस हैं वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। इसको विद इन नेक्स्ट 2 मंथ हमने मुकम्मल करना है और आपको हैंड ओवर करना है। और इसके अलावा पाकिस्तान बिगेस्ट डांसिंग फाउंटेन लेक हम पॉन्ड ही बना रहे, डांसिंग फाउंटेन लेक बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके लिए जो दुबई में सबसे फेमस जो पॉन्ड लेक्स हैं डांसिंग लेक्स और उसके जो डिज़ाइनर और एग्जीक्यूटर्स डेजर्ट ग्रुप दुबई वो यहाँ पे 8th और 9th जनवरी को आ रहे हैं, मंडे को देवल भी हेयर इंशाल्लाह। वो डिज़ाइन भी करेंगे, उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे और इंशाल्लाह इसी साल में ही इंशाल्लाह आखिरी जो समाई होगी उसमें हमने उसको ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि ये जो हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी है, मैं कल जिक्र कर रहा था कि एक ही गो में एक ही जगह पे और एक ही वक्त में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ ना ही बना है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में माशाल्लाह ये बनना जा रहा है, इसलिए हम हर चीज़ पाकिस्तान बिगेस्ट बनाने जा रहे हैं। तो एक और चीज़ जिसका पाकिस्तान लार्जेस्ट स्पोर्ट कम्प्लेक्स वो हम बनाने इसी साल में हम शुरू कर रहे हैं, शुरू हो चुका है और हमने इस साल में मुकम्मल करना है और हमने इसको ऑपरेटिव करना है। उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक PCB स्टैंडर्ड का ICC स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड है वो बन चुका है और विद इन नेक्स्ट 2 मंथ इंशाल्लाह हम उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। FIFA स्टैंडर्ड का फुटबॉल ग्राउंड और उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पोलो ग्राउंड और फुल इंडोर गेमिंग अरीना जिसमें बैडमिंटन स्क्वैश कोर्ट्स टेनिस कोर्ट्स बैडमिंटन और टेबल टेनिस वगैरह हर चीज़ होगी और इंटरनेशनल साइज का स्विमिंग पूल भी होगा और बॉलिंग एले उस इस सारे के सारा जो हमारा स्पोर्ट कम्प्लेक्स है इंशाल्लाह हमने इस साल में ही मुकम्मल करना है। इसके अलावा अडल्ट्स एंड किड्स क्रिकेट एकेडमी और अडल्ट्स एंड किड्स फुटबॉल एकेडमी इसकी भी इसका हिस्सा है इंशाल्लाह, उसका भी हम बहुत जल्द आगाज कर रहे हैं और इसकी एक बहुत बड़ी तफसील है जिसके लिए मुझे एक पूरा घंटा चाहिए आपको बताने के लिए। ये स्पोर्ट कम्प्लेक्स में किस किस तरह हम ऑपरेट करेंगे, उसको स्कूल और कॉलेज के साथ अटैच करेंगे और इस पूरे रीजन के ज़रिए हम वो एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे कि वो सारे रीजन से लोग आएँ और उसमें हमारे इस जो स्पोर्ट कम्प्लेक्स हम बनाने जा रहे हैं उससे लोग मुस्तफ़ीद हों। और एक 5-स्टार होटल मोवनपिक के नाम से इंशाल्लाह हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, डिज़ाइन स्टेज में है, हम शुरू करने वाले हैं। और एक 7-स्टार होटल मून ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह वो हम इस साल में ही शुरू करने वाले हैं। और नए 2000 विलास का कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हम करेंगे इस साल में इंशाल्लाह और उसमें से 1000 घर या अपार्टमेंट मुकम्मल करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है। और विद द सपोर्ट ऑफ मिस्टर लुइस फर्नांडिस ही सिटिंग हियर एंड ब्रिगेडियर फ्लेक्शेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट 9-होल गॉल्फ कोर्स विच इज़ द बेस्ट गॉल्फ कोर्स ऑफ पाकिस्तान। वी विल स्टार्ट ऑपरेशन ऑफ द फर्स्ट 9-होल गॉल्फ कोर्स विद इन दिस ईयर 2024 इंशाल्लाह। मिस्टर लुइस आर यू एग्री विद दिस? ओके ऑलराइट, थैंक यू। और एक जिस तरह आप ये देख रहे हैं हमारा जो इनक्यूबेशन सेंटर है इसी तरह का एक एक्सपो सेंटर भी हम बनाने जा रहे हैं जो इस इंशाल्लाह हमने मुकम्मल करना है। 5,50,000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया होगा और इस वक्त लाहौर के बाद सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर इंशाल्लाह इस्लामाबाद पिंडी में सबसे बड़ा होगा मगर पूरे पाकिस्तान में लाहौर के बाद नंबर 2 में होगा इंशाल्लाह। सिलिकॉन विलेज उसमें हम 5 बिल्डिंग्स का आगाज करने जा रहे हैं इस साल में इंशाल्लाह। एक बिल्डिंग 44 स्टोरी है, एक बिल्डिंग 19 स्टोरी है, एक बिल्डिंग 17 स्टोरी है, उसमें एक मस्जिद है
और एक स्मार्ट क्लिनिक है। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ टाइम ये पांचों बिल्डिंग जो हैं हम इसका इफ्ताह करने जा रहे हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है, मेरे पास लंबी लिस्ट है। मुझे इशारा किया जा रहा है कि मैं ज़रा अपनी तकरीर को मुख्तसर करूँ, ये मैं आपको सिर्फ 10 से 15% बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो अगले 2 वीक के अंदर अंदर हम एक बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं उसके अंदर पूरी तफसील और पूरे वो इनिशिएटिव जो हमने लेने हैं इस साल में वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, मैं और मेरे साथी उसमें हम आपको बताएंगे। और आपको इंशाल्लाह उससे जो भी हमारे इनिशिएटिव्स है नॉट ओनली फॉर दिस ईयर बट आने वाले और सालों में जो भी हम करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। और आज का जो फंक्शन है वो स्पेशली यंग लोगों के लिए है। मैं जब यंग लोगों में बैठता हूँ तो मैं अपने आप को यंग फील करता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि मैं 64 ईयर का हूँ, बट आई फील यंग सिटिंग इन यंग पीपल। ये आज आपका शो है और मेरे बाद बगड़ी आबद चीमा साहब और बाकी टीम जो है वो आज जो स्टार्टअप HQ है या हमारा सिलिकॉन विलेज में जो काम होने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मैं भी और आप सब भी उससे मुस्तफीद होंगे। मैं अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा अपनी तकरीर को और मैं ये चाहूँगा कि इस दुआ के साथ, तो तू जो चाहे वो हो जाए, तू जो मांगे वो मिल जाए के साथ अपनी तकरीर का अख्ताम करता हूँ। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ज़िंदाबाद, सिलिकॉन विलेज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।